सबसे बड़ा मुद्दा जो शिक्षकों के सामने था कि यह फॉर्म भरते जो 3 जिले का विकल्प उनको देना था, 3 जिले के विकल्प के लिए भी सरकार बड़ी संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देशित किया था और बात भी की थी ACS के माध्यम से, और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बहुत सारी बातों को स्पष्टिफाई भी किया था। बहुत क्षण के जो आ रही है कि जो भी शिक्षक फार्म भर रहे हैं और वो पहला विकल्प दे रहे हैं, विकल्प पे ही उनका वो जिला को माना जाएगा और उनको स्थानांतरण की सुविधा वहां दी जाएगी। मान लीजिए गोपालगंज के रहने वाले हैं और पहला जिला अगर हम गोपालगंज डालते हैं, दूसरा सिवान डालते हैं, तीसरा छपरा डालते हैं, गोपालगंज जिला में ही हमको पदस्थापित किया जाएगा, हम जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करते हैं। एक बात तो यहाँ पे यह क्लियर हो रहा है कि मतलब यह सकारात्मक पहल सरकार के द्वारा इस विषय पे की जा रही है। बात है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी जो कहा है, कल उनका एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि अब 3 बार नहीं 5 बार परीक्षा होगी, जिस परीक्षा में 3 बार आपको ऑनलाइन परीक्षा और 2 बार आपको ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक बड़ी बात सामने आई है, विभाग भी इस पे आम सहमत है और सरकार भी इस पे सहमत है कि बहुत ही मामूली, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं इसमें निर्देश दिया है, माइनर परीक्षा लेना है और शिक्षकों को रिजल्ट देना है। अगर किसी कारणवश एक बार में नहीं होता है तो दूसरे बार में उन शिक्षकों को पास आउट करके अवश्य आपको निकाल देना है, ताकि वह शिक्षकों को जो सरकार की बनाई हुई जो योजना है कि उनको राज्यकर्मी किया जा सके, योजना का लाभ उठा सके और वो सरकारी शिक्षक कहला सके। पहले जो बातें चल रही थी कि बहुत टाइट परीक्षा होगी, BPSC से सिलेबस लिया जाएगा चाहेगा, तो वह सब बातें अब कुछ है नहीं। नॉमिनल परीक्षा होगी और नॉमिनल परीक्षा में उनको निकाल दिया जाएगा और एकदम साधारण उनके जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। ऐसे इंस्ट्रक्शन है कि उनको मतलब कोशिश यही है। अब मान लीजिए कोई बैठा, वो पासिंग नंबर जो तय किया हुआ है, पासिंग नंबर वो ला देता है तो वो तो पास हो जाएगा। ये मतलब जो एक दिमाग में एक बना हुआ था कि नहीं इसमें बड़ी सवाल हार्ड होगा, MA PG का जो सवाल पूछा जाएगा, कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया है कि एकदम बिल्कुल ही मामूली परीक्षा लेके और शिक्षक जो परीक्षा में बैठ रहे हैं उनको आप यहां से पास करके निकालिए। ताकि देखिए मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है और मुख्यमंत्री जी का भी विचार है कि क्योंकि उन्होंने ही आज तक जो भी शिक्षकों को हासिल हुआ है 2006 से अब तक, मंत्री जी के नेतृत्व का ही प्रतिफल रहा है। जो शिक्षक को 6,000 रुपए से आज एक मूल रूप से वेतन मान तक उन्होंने प्राप्त किया है, और इसके लिए हमारे स्वर्गीय पिता केदारनाथ पांडे जी ने एक लंबा संघर्ष भी किया था, और उनके ही संघर्ष का प्रतिफल रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर उनकी नियमावली में लगातार संशोधन भी किया है और आगे भी संशोधन करते रहेंगे। यह मुख्यमंत्री जी का कमिटमेंट भी है बिहार के शिक्षकों के हैं। यही रिलेटेड वो सवाल की जाएगा, हाँ, लेकिन उससे ही रिलेटेड रहेगा, को रिलेटेड रहेगा और बिल्कुल आसान प्रश्न, ताकि वह शिक्षक उस प्रश्न को हल कर पाए। मतलब बहुत जो एक बातें जो बनी हुई थी कि बहुत गंभीर सवाल होगा, हम आपको हटाएंगे नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यह संकल्प रहा है कि नौकरी देने का काम वो बराबर करते हैं, नौकरी लेने का काम और छीनने का काम कभी नीतीश कुमार ने आज तक नहीं किया है अपने जीवन काल में। तो इसपे जो विभाग के मुफसिल पदाधिकारियों ने जो कलम अपनी चलाई थी, उस कलम को रोकने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, और यह अवश्य जान जाइए कि किसी की भी सेवा खत्म होने वाली नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे शिक्षकों को विश्वास और भरोसा भी है और हम लोगों को भी विश्वास और भरोसा है कि उनकी सेवा बिल्कुल यथावत बनी रहेगी अगर वह परीक्षा नहीं देते हैं तो। लेकिन हमारा यही कहना है कि राज्यकर्मी का दर्जा जब हमको मिल रहा है, उसमें तमाम सुविधाएं हमको मिलेगी, तो हम क्यों ना एक सरकारी शिक्षक के रूप में बन के सामने आएंगे। तो यह एक सरकार की अच्छी पहल है जिस पहल का लाभ शिक्षकों को ले। कह रहे हैं गांठ आप बांध लीजिए, कही है वह बात होने जा रही है, भी आपको बता दिया है कि यह काम हम लोग करने जा रहे हैं। हमने बताया जो ऐच्छिक वाली बात, हमने बताया कि एक पहले ही जिले का रहेगा, यह भी आदेश जो है मुख्यमंत्री ने ही विभाग को दिया है। तो यह बात आपको बता रहे हैं, देखिए राज्यकर्मी होने में बहुत सारी सुविधाएं शिक्षकों की है, और शिक्षक एक लंबी लड़ाई लड़े थे, हमें आए थे तो 6,000 रुपए पे सरकार ने उनको लाया था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया था कि हमको 5,200 का वेतन मान भी हमको मिलेगा और 40-50 हजार रुपए तक के वेतन मान पे हम पहुंचेंगे, लेकिन वहां तक वो पहुंचे।
बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष के रूप में और विधान परिषद के सदस्य के रूप में हमारे पिताजी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, जिसका प्रतिफल हुआ कि शिक्षकों को बहुत कुछ हासिल भी हुआ। और हमारे पिताजी जो एक लंबी लड़ाई लड़े थे कि शिक्षकों को लेवल 7 लेवल 8 मिले, जो समान काम समान वेतन की जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, जो पटना उच्चतम न्यायालय ने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला हमारे विरोध में चला गया था, लेकिन जब हमारे पिता स्वर्गीय केदारनाथ पांडे जी ने कहा कि हम शिक्षकों के लिए लेवल 7 लेवल 8 दिला के रहेंगे, और इस पे उनका जब ध्यान आकर्षण था तो सरकार की भी जवाब इसमें बिल्कुल सकारात्मक थी। एक सदन संस्मरण उनकी जो किताब है उसमें पार्ट ऑफ रीडिंग का हिस्सा भी बिहार विधान परिषद का बना हुआ है। तो आगे जब हम राज्यकर्मी हो जाएंगे, एनपीएस की सुविधा मिलेगी, आगामी वर्ष विधानसभा का चुनाव होने वाला है, हर राज्य जो है कि पुराने पेंशन स्कीम पे लड़ रही है, तो हमारी लड़ाई तो एक और लड़ाई होने जा रही है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में एक और लड़ाई होगी, जिसमें हम वेतन मान की लड़ाई लड़ेंगे। और हमें विश्वास भी है कि आज मुख्यमंत्री ने जब हमको सरकारी कर्मी बनाया है, तो अवश्य जब मुख्यमंत्री जी के हाथों को और शिक्षक लोग मजबूत करेंगे, तो यह तो बात तय है कि आगामी जो वर्ष होगा, जो वेतन मान की जो हमारी लड़ाई है, जो हमारे स्वर्गीय पिता ने जो बनाया है, तो उस लड़ाई में भी हम लोग अवश्य सफल होंगे, क्योंकि हमारी अंतिम मांग और अंतिम लड़ाई वही है। तो समय समय पर हर नियमावली बदलती है और समय समय पर परिस्थितियां बदलती है, तो हम तो उस लड़ाई के लिए भी आगे तैयार बैठे तो बिल्कुल करते हैं, संशोधन तो होगा ही, क्योंकि कंडिका 13 में प्रोविजन है। 26 दिसंबर को जब यह नियमावली अधिसूचित हुई थी, नियमावली को संशोधन करने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने मुझको स्वयं फोन करके भी कहा, और उन्होंने संशोधन के लिए स्वयं मुझसे मांगा भी था, और उन्होंने कहा भी था कि हमारे प्रधान सचिव अनुपम कुमार को आप दे दीजिए। मैं जाके भी उनको दिया था और उन लोगों ने सारी बातों की समीक्षा की थी और समीक्षा भी हुई। मान लीजिए कोई चीज अगर अधिसूचित होता है तो उसमें जो गड़बड़ियां होती है उसको देखने का काम तो सरकार का काम होता है, अगर विभाग कहीं कुछ गड़बड़ करता है, तो मुख्यमंत्री ने सारी बातों को देखा है और अपने स्तर से मुख्यमंत्री अन्य सारी बातों की और समीक्षा भी कर रहे हैं, और जहां तक बेहतर होगा वहां तक बेहतर निर्णय और माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, और भी उनकी परेशानी को लगातार सरकार तक पहुंचाने का और उसका निराकरण करने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग मिलके, और जो विभाग के द्वारा कुछ अगर इधर उधर कुछ बात की जाती है, तो फिर हम लोग संशोधन इसमें अवश्य कराएंगे।